1 जून है और कल से 200 ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है जब ट्रेन के पहिए थमे हुए हैं। हालांकि इस बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेन जो कि 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलाई गई थी वो चल रही हैं, लेकिन अब 200 ट्रेनें नियमित रूप से संचालित होंगी, चलाई जाएंगी। ये फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया था, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई और ये बताया गया कि किस तरीके से आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं और कौन सी वो तमाम सावधानियां होंगी जो आपको सफर के दौरान रखनी होंगी। भोपाल रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, ऐसे में वहां पर तैयारियां जोरों पर है, अंतिम चरण में है। स्टेशन पर फूड काउंटर खोले जाएंगे लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैक्ड आइटम मिलेगा। साथ ही अगर आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको बेड रोल यहाँ पर नहीं मिलेगा। वासु चौरे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासु, कल से 200 ट्रेन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आएंगी। भोपाल स्टेशन की बात करें, हबीबगंज स्टेशन की बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल रोमिता, देखिए कल से जो 200 ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है उनको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से रेलवे पूरी तरीके से बंद था। हालांकि बीच में कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जरूर चली हैं। अगर अब आप भोपाल से और हबीबगंज स्टेशन से सफर करना चाहते हैं तो आपको करीब 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्क्रीनिंग और जो सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स है उनका पालन किया जा सके। स्टेशन पर जो फूड काउंटर होंगे वो खुलेंगे लेकिन सिर्फ जो पैकेट बंद फूड होता है वही मिल पाएगा। एसी जो बोगियों में जो लोग सफर करने जा रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वो लोग एहतियातन अपने घर से सारी जरूरत का सामान लेकर चलें। और हर प्लेटफॉर्म पर 1 से 2 काउंटर खोले जा सकेंगे जो टिकट लेना है या टिकट एक्सचेंज करना है उन तमाम चीजों के लिए। भोपाल मंडल की जो 48 ट्रेनें हैं उनका संचालन शुरू हो रहा है। 200 ट्रेनों में से जो 48 ट्रेनें हैं वो भोपाल की हैं और भोपाल को 26 ट्रेनों का स्टॉपेज भी इस दौरान मिला है। 26 ट्रेनें यहां पर पहुंचेंगी और जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू होने वाली है जो हबीबगंज से जबलपुर के लिए चलती है। तो अभी जो तैयारियों का दौर है वो अपने अंतिम चरण में है और हम देखेंगे कि कल से जब ट्रेनों का आना जाना शुरू होगा तो एक बहुत बदली हुई तस्वीर आम दिनों के अलावा नजर आएगी। रोमिता, बिल्कुल ये लॉकडाउन वाला सफर है देखिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा पल पल है और साथ ही जिंदगी को रफ्तार देनी है। ट्रेन चलाई जा रही है लेकिन ऐसे में ध्यान रखिए कि गाइडलाइंस का पालन आपको करना है। साथ ही स्टेशन पर आप थोड़ा पहले पहुंचें क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग यहाँ पर आपकी होगी, उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ट्रेन के अंदर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए।